बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक कटिंग एंड स्टिचिंग। आज मैं आपको दुपट्टे में डोरी पाइपिंग लगाने का आसान तरीका बताती हूँ। स्केल हमें चाहिए होता है बिल्कुल सीधी लाइन लगाने के लिए, डोरी चाहिए होती है हमें, चौक से हम निशान लगाते हैं, इंची टेप से हम इंच रखते हैं, 2 इंच की पट्टी, 3 इंच की, 2.5 इंच की, यह हमारे होते हैं हाफ फुट, दोनों तरफ के होते हैं, एक साथ भी मिलते हैं अलग अलग भी मिलते हैं। इनको आप किसी भी हाथ से आप इस्तेमाल करें तो कर सकते हैं, चाहे लेफ्ट चाहे राइट, दोनों तरफ के होते हैं। कैंची से हम काटते हैं, जो हमें डोरी पाइपिंग चाहिए उसको मैंने काट के रखा हुआ है। वक्त की कमी की वजह से कि वीडियो छोटी से छोटी हों तो मैंने ये तमाम पट्टियाँ तकरीबन 3-3 इंच की काटी हुई हैं। यह हमारा दुपट्टा है जिसमें हम लगाएंगे। व्यूअर्स, 2.5 मीटर के दुपट्टे के लिए तकरीबन हमें 1 मीटर कपड़ा चाहिए होता है। इस तरह हम खड़े कपड़े से, ये देखिए ये कन्नी है ना, यहाँ से हम निकालते हैं। ये उरेब होता है, उरेब में हम दुपट्टे में और चाक दामन में नहीं लगाते। हम हर जगह से खड़े कपड़े में अपनी 3-3 इंच की मार्किंग करते हैं। दुपट्टे के लिए हमें 3 इंच का कपड़ा चाहिए होता है, पट्टियाँ चाहिए होती हैं, हर जगह से हम 3 इंच पे निशान लगाते हैं। ये देखिए मैंने 3-3 इंच का निशान लगाया और मैंने स्केल से इसको एक सीधी लाइन मैंने खींच दी और ये मैंने तमाम पट्टियाँ इस पे काट के पहले से रखी हुई हैं। सिर्फ मैं आपको तरीक़ेकार इस कपड़े पे बता रही थी। मैंने अपने पूरे दुपट्टे पे आधा आधा इंच चारों तरफ पल्लू में, लंबाई में, सब जगह ये मैं आधा आधा इंच का पूरा निशान लगाती चली जाऊंगी और मैं इसको स्केल की मदद से मिलाती चली जाऊंगी। इस तरह पूरे पेपर देखिए मैंने पूरे दुपट्टे पे आधा आधा इंच के फासले से निशान लगा लिया। आप चाहें तो इसको इस्त्री भी कर सकते हैं, यू क्रीज भी बना सकते हैं आप, इस्त्री से भी सही रहेगा और अगर आप निशान लगाएंगे तो वो भी सही रहेगा। मैंने 3 इंच की पट्टी चौड़ाई में ली है, ये मेरा 3 इंच है। लॉन और कॉटन के दुपट्टों के लिए सिर्फ 2 इंच लेते हैं, जॉर्जेट के लिए, शेफून के दुपट्टों के लिए, नेट के दुपट्टों के लिए हम 3 इंच लेते हैं। 3 इंच हम क्यों लेते हैं इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी तो फिर आपके समझ में आएगा, मैं आपको बताऊँगी। देखिए व्यूअर्स, लंबाई में मैं इसको इस तरह जोड़ूंगी, ये हमारी पट्टियाँ बहुत सारी इसी तरह जुड़ेंगी और फिर ये इस तरह हो जाएंगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रणाम, पाइपिंग देखने में भूल जाएंगे। तमाम पट्टियाँ हम इसी तरह जोड़ लेंगे। देखिए व्यूअर्स, मैंने आखिरी पट्टी भी अपनी जोड़ ली और इसको मैं इस तरह पक्का भी करूँगी ताकि ये खुले नहीं, दोनों तरफ से, इधर से भी पक्का करूँगी, इधर से भी पक्का करूँगी तो ये मजबूत हो जाएगा। अब हम इसको प्रेस की मदद से खूबसूरती से इसके जोड़ों को संवारते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये जोड़ होता है किसी भी तरह का जोड़ो, चाहे आस्तीन में हो, चाहे पाइपिंग में हो, किसी चीज़ में भी आप इसको खोल के और प्रेस करेंगे तो ये बहुत खूबसूरती से प्रेस होता है और जब हम इसको लगाते हैं दुपट्टे वगैरह में तो ये जोड़ नुमाया नहीं होता। ऐसे में सारे पाइपिंग में कर लूँगी। 1 मीटर के कपड़े में तकरीबन 8 या 9 पट्टियाँ आप बना लें, 2.5 मीटर के दुपट्टे में आसानी से होगा और 1 मीटर कपड़ा प्लेन आप ले सकते हैं। अगर कमीज़ में भी लगानी है तो 1.5 मीटर कपड़ा ले लीजिए, चाक दामन आस्तीन सब हो जाएगा। चाहे तो आप डोरी पाइपिंग के लिए भी इसको प्रेस कर सकते हैं, सिर्फ 2 पॉइंट या इतना कि यह हाफ फुट इसमें आ जाए, और चाहे तो आप अंदाजे से भी कर सकते हैं। अगर सीखने वाले हैं आप हैं तो प्रेस कर लीजिए, आपको बहुत आसानी से समझ आएगी। पूरी पट्टी को आप प्रेस कर लें। डोरी पाइपिंग लगाने के लिए हमेशा हाफ फुट इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं ये हटा रही हूँ और मैं इसको लगाऊंगी। बहुत आसानी से ये लग जाता है, पेचकस से आप इसको टाइट कर दीजिए और मैं अब डोरी पाइपिंग लगाऊंगी।
उसी तरह से मैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है, मैं इसमें किटान लगाऊंगी। देखिए व्यूअर्स, मैंने हाफ फुट लगाया, मेरी डोरी यहाँ, मेरा हाफ फुट इस कपड़े पे आ रहा है। इतना ही हम मुड़ते, तकरीबन आधा इंच से भी एक पॉइंट कम इसको मुड़ लें तो आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा अच्छी तरह। अब मैं इसको पूरी पट्टी को सी लूँगी। देखिए व्यूअर्स, मेरे पट्टी का एंड आ चुका है। मैं इसको यहाँ से काट दूँगी और जब मैं अपनी पट्टियाँ काटती हूँ 6-7 जोड़ जोड़ने के बाद, मैं दुपट्टे से नापती भी हूँ कि कहीं कम ना पड़ जाए, क्योंकि ज़्यादा हो जाए कम नहीं पड़नी चाहिए, 8 पट्टियाँ उसे बहुत होंगी। देखिए व्यूअर्स, मैंने एक नाप तोल का भी अंदाज़ा कर लिया कि मेरी कोई पट्टी कम तो नहीं पड़ेगी, और डोरी लगाने से पहले नाप लें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि ये कम नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने इस पर डोरी लगा दी थी। ये देखिए, मैं पूरे दुपट्टे में इसको इस तरह नाप रही हूँ चारों तरफ से, बिल्कुल चारों तरफ से मैं नाप रही हूँ कि कोई कम ना पड़े, ज़्यादा हो जाए कम ना पड़े, ये एक्स्ट्रा है, इसको हम बाद में काट देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे लगेगी ये। देखिए व्यूअर्स, ये दुपट्टा चौक का निशान लगाता है, ये आप क्रीज भी जमा सकती हैं। ये मैंने डोरी पाइपिंग ये सीधी रखनी है और दुपट्टा भी सीधा। अब हम इसको किनारे से पूरे दुपट्टे पे लगाना शुरू करेंगे। ये मेरी चौक का निशान है और मैं इस पे चला रही हूँ मशीन। पूरे आखिर तक हम इसको ले जाएंगे। देखिए व्यूअर्स, एक किनारे से हम दुपट्टे के दूसरे किनारे पे आ गए। अब हम इसको किस तरह करेंगे मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे चौक का निशान, जैसे से सुई मेरी अंदर, सुई बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगी और पूट घूमेगा, दुपट्टा भी घूमेगा। और ये देखिए, जो मेरी चौक का निशान है मैं उसी पे सिलाई लूंगी। अब मैं इसी तरह पूरी सिलाई करती हुई चली जाऊंगी। दुपट्टे में चार कोने होते हैं, एक से हमने स्टार्ट किया, दूसरा मैंने आपको बताया, तीसरे पे मैं यहाँ आ गई। इतना चौक के निशान पे हम रुके और हमने सुई अंदर घुमाया दुपट्टे को, सुई को बाहर नहीं निकालना हमने, और हमने इस तरह इसको हल्का सा राउंड कर, ये हम कोना बनाएंगे इसलिए हम इसको इस तरह कर रहे हैं। अब मैं फिर इसी तरह पूरे दुपट्टे पे लगाऊंगी। चौक का निशान इस तरह हम चौथे कोने पे भी आ गए, और जिससे हमने शुरू किया था उस पे हम एंड करेंगे। सुई अंदर, कपड़े को घुमाया और हल्का सा डोरी को घुमाया। ये देखिए, जब इसका कोना बनेगा तो देखिएगा कितनी खूबसूरती से बनेगा, क्योंकि चौक दामन में तो आसानी से लग जाती है, लेकिन दुपट्टे में कोने बनाने, बस यही खूबसूरती होती है दुपट्टे की। देखिए, मैंने इस पट्टी पे भी जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था, मैंने चौक का निशान लगा दिया और मैं इसी तरह इस पे अपना एंड कर रही हूँ। इधर मैं पक्का कर लूँगी थोड़ा सा और मैं बाकी कपड़ा काट दूँगी। ये मैंने यहाँ से बराबर से पूरे मेरे दुपट्टे में ये लग गई। ये देखिए, पूरे दुपट्टे में लग चुकी है ये। अब मैंने 3 इंच क्यों कपड़ा लिया था वो मैं आपको बताती हूँ। कमीज़ में तो हम 2 लेते हैं और कॉटन और लॉन के दुपट्टे में भी 2 लेते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हम कमीज़ में इस तरह मोड़ते हैं ना और यूँ कर देते हैं, तो ये देखिए दुपट्टा कितना गंदा लग रहा है, क्योंकि जॉर्जेट से बैक साइड नज़र आ रहा है, ये ग्रीन नज़र आ रहा है। ये इस तरह नेट और जॉर्जेट शिफॉन के दुपट्टों में हम इसका 3 इंच लेते हैं, इसलिए कि अभी मैं आपको सीख के बताती हूँ, मैं इस सबको इससे कवर करूँगी। जब मैं यहाँ सिलाई चलाऊँगी तो मेरी डोरी पाइपिंग में कुछ भी बैक का नज़र नहीं आएगा। ये देखिए व्यूअर्स, कमीज़ में हम सिर्फ इतना सा करके यूँ कर देते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसको, इस पॉइंट को आप देख लीजिए, मैं इसको जहाँ तक मेरी ये सिलाई है मैं इसको इतना करूँगी और मैं इसको प्रेस करूँगी।
पूरा बराबर से पूरे दुपट्टे पे मैं आखिर तक इसको इतनी ही खूबसूरती से करूँगी, सब पे से करूँगी। देखिए कोना हम निकालते हैं, जब हम इसके कोने पे आते हैं तो थोड़ा सा हम बालपिन से या किसी भी चीज़ से, कैंची से, बहुत सारी चीज़ों से करा जा सकता है इसको, हम इतनी खूबसूरती से यूँ कर लेते हैं तो ये कोना सा बन जाता है। देखिए इस्त्री पे जब कोना आता है ये वाला, तो हम इसको पहले इस तरह पूरा कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम इस पर सिलाई मारेंगे तो फिर मैं आपको और सफाई से बताऊंगी। और हम इसी तरह से दूसरे कोने को हम कर लेते हैं, यहाँ से हम छोड़ देते हैं, ये हम सिलाई के टाइम पे बिल्कुल परफेक्ट करेंगे। फिर हम इसको इस तरह ले लेते हैं, चारों तरफ से हम इसी तरह से इसको प्रेस करते चले आएंगे। ये देखिए जितने ये धागे वागे सब है ना, ये सब मैंने छुपा दिया, क्योंकि जाजुट कर बट्टा है तो फिर जो है ना सारा गंदा सा नज़र आता, इसलिए हमने इसको इस तरह करके हम एंड तक ले गए। और वही हमने रफली जो है बस रफ तरह से उसको हम सिलाई में कवर करेंगे, हमने प्रेस मार दी, बस हमें इसको पूरी पट्टी को प्रेस करना था। ये देखिए यहीं से मैंने शुरू की थी, मैंने इसको इस तरह कोना बना लिया और मैंने इसको ऊपर पिंक धागा मेरा और नीचे ये ब्लैक होगा या स्किन होगा जो भी होगा, नीचे का धागा जो भी हो आप वो लगा लीजिए। और मैंने बिल्कुल इस तरह से जो मेरी पिंक सिलाई है पहली डोरी पैपिंग की, उससे बिल्कुल लब पे सिलाई आए, इसके ऊपर ना आए, इस तरह से थोड़ा सा मैंने नीचे जो है ना हल्का हल्का सा खींचा और इसको यूँ रखा। मैं पूरे पे इसी तरह से अपने सिलाई करती हुई चली जाऊँगी। देखिए ये मेरा कोना आ गया, ठीक है, मैं इसको बड़े आराम से इस तरह करके और मेरी सिलाई इसी के कोने पे बिल्कुल आएगी। अब मैंने वही कपड़ा घुमाया, बूट मेरा ऊपर, सुई मेरी अंदर, बिल्कुल इसी तरह से मैं अपनी पूरी पाइपिंग को इसी तरह लेती भी जाऊंगी। देखिए हम आखिर तक आ गए इस सिलाई से हट के सिलाई, और जो पिंक धागा ऊपर है वही नीचे लगेगा, ब्लैक नहीं लगेगा क्योंकि नीचे भी पिंक पे ही आ रहा है। बिल्कुल आखिर तक हम इसको ले गए, देखिए हम आखिर तक इसको ले गए। अब हम इसको प्रेस से जमाएंगे। देखिए हम इसको इस्त्री कर रहे हैं सीधी तरफ से, बिल्कुल खूबसूरती से। देखिए आप जो जाजट करवट्टा होता है ये सारी गंदगी अंदर चली जाती है, इसलिए हम 3 इंच की पट्टी लेते हैं। ये सब अंदर गया और इस तरह खूबसूरती से ये बिल्कुल सफाई से सीधे तरफ से कुछ नज़र ही नहीं आएगा और स्त्री होके जमती चली जाएगी ये। देखिए व्यूअर्स ये मेरा कपड़ा यहाँ तक था, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा पड़ता है तो हम जब जिधर से भी शुरू करते हैं तो उस कपड़े को हम काट देते हैं, ताकि जब हम इसका कोना बनाएं तो ये गट्ठर कम हो। ऊपर मेरा पिंक धागा लगा हुआ है और नीचे ब्लैक है, जो भी आपका कलर आए वही आप नीचे लगाएं और जो आपकी डोरी का कलर हो आप ऊपर वो लगाएं। अब मैंने इसका कोना बनाया, ये देखिए यूं करके मैंने इसका कोना बनाया, बिल्कुल वी शेप में हमने इसको लिया और हमने हल्का सा इसको यहाँ से कोनों को मैं तुपाई की मदद से दबाऊंगी। अब हम अपने कोने पे आ गए, देखिए इसको हमने यूँ लिया और फिर हमने यूँ कर दिया, ये हमारा कोना बन जाता है। इसको हम तुरपाई से कवर करते हैं जो बहुत खूबसूरती से होता है। फिर मैंने यूँ करके इसको राउंड में, और मैं अपनी पूरी सिलाई आखिर तक करती हुई चली जाऊंगी। देखिए व्यूअर्स ये मैंने इस तरह लगाई, इसी भी तरफ से आप देखिए कोई भी धागा कोई भी कपड़े करूँगा कुछ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मैंने 3 इंच की पट्टी ली थी और उसको अंदर मोड़ा था। ठीक है, ये मैंने कोना, मैंने यहाँ से इसको तुरपाई के ज़रिए इस कोने को मैंने बनाया, ये इधर से इस तरह आएगा। ये मैंने ब्लैक धागा इधर लगाया, इधर दूसरे रंग का लगाया जो उसका, आप चाहें तो ब्लैक से ही चला दें, ये आपकी मर्जी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।